नमस्कार। चंबा जिले के मंदिर प्राचीन श्री गोपी वल्लभ मंदिर व प्राचीन सीताराम मंदिर देखने के उपरांत वे बंसी गोपाल मंदिर गए। बंसी गोपाल मंदिर चंबा राजा बलभद्र वर्मन ने 1595 ईस्वी में बनवाया था। मंदिर का गर्भगृह सुबह शाम पूजा के वक्त ही खोला जाता है। गर्भगृह में राधा कृष्ण की सुंदर प्रतिमाएं सुशोभित है। यह मंदिर शिखरा शैली में बना है। पत्थरों की तराशी हुई ईंटों से ऊंचा बना यह मंदिर पुरातात्विक और कालात्मक दृष्टि से अन्य मंदिरों की भांति ही महत्वपूर्ण है। मंदिर की अद्भुत स्थापत्य कला, बेमिसाल कारागिरी, भव्यता व विशालता देख आप अवश्य अचंभित रह गए होंगे। प्रत्येक दिशा, प्रत्येक कोने की यह सुंदर आकृति जैसे किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि जिस प्रकार आधुनिक युग में मशीन का इस्तेमाल कर वस्तुएं बनाई जाती है, तराशी जाती है, पुरातन काल में मेहनती हाथ यह कार्य करते थे, जिसमें आप देखें तो एक भी त्रुटि नहीं है। करीब से इस मंदिर को देखें तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसे एक दुल्हन की तरह सजाया गया है। भेट होय गुरुजी सांगितले मज। मंदिर के पीछे यह छोटा सा कक्ष था, जहां कदाचित पुरातन काल में मंदिर के टूटे हुए कुछ हिस्से सुशोभित कर रखे हैं। ज्ञानाचे स्वरूप सांगितले गुरुने काय होते पुण्य। बंसी गोपाल मंदिर से कुछ ही दूर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर था। काय समाधान। मुख्य द्वार के सामने धातु की घड़ियों में गरुड़ की मूर्ति है, जिसे राजा बलभद्र वर्मन ने रखा था। मंदिर में जाते ही भगवान विष्णु की भव्य प्रतिमा के दर्शन होते हैं। इतिहास की माने तो मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति एक दुर्लभ संगमरमर से बनी थी, जिसे विंध्याचल पर्वत से लाया गया था। ऐसा बताया जाता है कि क्षेत्र में पूर्व राजा साहिल वर्मन ने संगमरमर लाने के लिए अपने 8 पुत्रों की बलि दी थी। आखिर में उनके सबसे छोटे पुत्र, जिनका नाम युगकारा था, संगमरमर हासिल करने में सफल रहे। राजा पर भी लुटेरों द्वारा हमला किया गया था, लेकिन एक संत की मदद से उसने स्वयं को लुटेरे से बचाया था। ऐतिहासिक काल में मंदिर में नवीनतम जोड़ मुगल आतंक के जवाब में था। औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया और राजा छत्र सिंह ने वर्ष 1678 में मंदिर में सोने का पानी चढ़ा इस मंदिर को सुरक्षित रखा। यह मंदिर शिखर शैली में बनाया गया है। लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा का सबसे बड़ा और सबसे पुराना मंदिर है। दरअसल यह 6 पत्थर शिखरा मंदिरों का एक समूह है। छतों पर बर्फबारी से बचाव के लिए लकड़ी की छतरियां बनाई गई है। यह मंदिर पारंपरिक वास्तुकला और मूर्तिकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। हजारों साल के दौरान हिमालय की इस तलहटी में कई बार धरती डोली है। 1905 में आया भूकंप सबसे विनाशकारी था। वैज्ञानिक भी इस बात को लेकर हैरान है कि 7 की तीव्रता वाले भूकंप से भी यह मंदिर कैसे बचा रहा। कहा जाता है कि भूकंप की वजह से मंदिर के 3 खंभे जरूर तिरछे हुए थे,
जो बाद में अपने आप रहस्यमय तरीके से सीधे भी हो गए। समाधि अवस्था होता कायते दिसणे याची पूर्ण। इस यात्रा के दौरान उनके एक भक्त ने उन्हें दूरभाष यंत्र अर्थात मोबाइल के द्वारा एक सवाल पूछा। सवाल यह था कि वर्ष 1996 में जब सुमंत आश्रम जी महाराज जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए निकले थे, तब वह यात्रा कितनी कठिन होगी। इस पर सुमंत आश्रम जी महाराज ने पूछा, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उस यात्रा के दौरान उनकी हुई अवस्था, उस यात्रा के पूर्व व पश्चात हुई उनकी अवस्था, यह बहुत कठिन थी। और वे जगन्नाथपुरी पदयात्रा करने के लिए क्यों निकले? श्री सुमंत आश्रम जी महाराज ने उत्तर देते हुए कहा, सच बताऊं तो मैं परेशान था। 1994 में स्वामी समर्थवाड़ी की स्थापना हुई थी। वर्ष 1996 में सूर्य मंदिर की स्थापना हुई थी। सूर्य मंदिर की स्थापना के बाद स्वामी समर्थवाड़ी में लोगों का आना कम हो गया था, इसलिए मैं परेशान था। श्री स्वामी समर्थ महाराज ने मुझे संकेत दिया कि मुझे समर्थवाड़ी से बाहर निकल जाना चाहिए, इसलिए मैं जगन्नाथपुरी पदयात्रा के लिए निकला। कुछ दिनों बाद मुझे समर्थवाड़ी में वापस लाया गया। तब वाड़ी की वह अवस्था देख मैं चौंक गया था। उस समय मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट था। उस समय समर्थवाड़ी काउंटर पर रावजी नाम के भक्त थे। उन्होंने श्री सुमंत आश्रम जी महाराज से कहा कि यदि आप वाड़ी में नहीं आए तो वाड़ी का कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद श्री सुमंत आश्रम जी महाराज जो वाड़ी में आए, उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके पश्चात उन्होंने वाड़ी में ही न रुककर महाराष्ट्र भर प्रवचने की, लोगों को इकट्ठा किया, अनेक यात्राएं, दौरे, देशों के पर्यटन किए। उसके बाद श्री स्वामी समर्थ वाड़ी का विकास कार्य कभी भी रुका नहीं, आज तक वह शुरू है। उन्होंने अपने पास आने वाले अनेक जीवों का उद्धार ही किया, प्रत्येक भक्त को तृप्त कर ही भेजा और 2 फरवरी 2022 के दिन संन्यास दीक्षा स्वीकार ली। मजसी देवोनिया पूर्ण रूपे ज्ञान, मजसी देवोनिया पूर्ण रूपे ज्ञान, आशीर्वाद ही देवुन एक त्या गुरु।